Good afternoon, everyone. Today, we are here to discuss the subject Business Management, Ethics and Communication. ठीक है? क्या है subject का नाम हमारा? Business Management. Ethics and Communication. This is paper 2. ये CS Foundation में paper 2 होता है ठीक है. इस subject के अंदर आपके तीन segregated parts हैं. इस subject के अंदर कौन से parts हैं? सबसे पहला है आपका business management, दूसरा आपका पड़ेगा ethics and the third one is communication. Part A forms business management. Second part is ethics and the third part is your business communication. This is not regular communication जो हम daily basis पर करते हैं. ये सिर्फ उस communication तक confined नहीं है. ये है आपका business communication. किस तरह से लोग एक organization के अंदर communicate करते हैं, किस तरह से interact करते हैं, किस किस क्या क्या forms होते हैं communication के, इसके अंदर हम वो सारी चीजें discuss करेंगे. This, as I said, is your paper 2. Now let's come to the marks. ये जो subject है आपका total 100 marks का है. The subject is of 100 marks. और इसके अंदर since I said कि ये subject आपका तीन parts में divided है, business management, ethics and communication, marks भी उसी हिसाब से ही इसके अंदर divide किए गए हैं. Business management stands for 40 marks. Business management 40 marks का है. Ethics 20 marks का पड़ता है. And आपका communication again 40 marks का पड़ता है. Round up करके होते हैं 100 marks. Alright, now आज के session में हम लोग discuss करेंगे business management. Since it is part A, हम पहले part A complete करेंगे. उसके बाद we'll move on to ethics and the third part business communication we'll take it in the end. Now, business management. Business management जो है एक word मैनेजमेंट से डिराइव किया गया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, ओके, बिफोर कमिंग टू मैनेजमेंट लेट्स सी व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को मैनेज करना. अब बिजनेस को मैनेज करने का मतलब क्या है? अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन गिव मी अ डेफिनेशन? मैनेजमेंट आप बता सकते हैं क्या होता है? एग्जैक्टली, अरेंजिंग ऑफ थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. ये एक पार्ट है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट जो होता है, बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. ऑल राइट, नाउ बिजनेस मैनेजमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट की, ये होती है कि किसी से कोई काम करवाना. ठीक है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with and through people. ये हमारे मिस्टर फैलट थे. ठीक है, मिस्टर मैरी पार्कर फैलट, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट की. बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि ये वो कला है जिससे कि हम लोगों से काम करवाते हैं. क्या काम करवाते हैं? वील कम बैक टू दैट. अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली जो मैनेज बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों से वो काम करवाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसके एम्प्लॉयज करें. सो एज आई सेड, बिजनेस मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू पीपल. नाउ देयर वाज मिस्टर फेयर, हेनरी फेयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं मैनेजमेंट में. इन्होंने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी थी एक और. मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर होता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, मिस्टर आपके जो हेनरी फेयर थे, उन्होंने कहा था कि ये मैनेजिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं. ठीक है, अब एक और चीज़,
मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गन है, वो हिस्सा है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और अपनी ग्रोथ बढ़ाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो उसका सर्वाइवल विल बिकम वेरी इजियर, राइट? सो तीसरी चीज़ क्या है मैनेजमेंट की? इट इज दैट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन of an organization which is responsible for the productivity and survival of an organization. All right? ओके, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन का लेट से मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी करेगा, और अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो उसकी ग्रोथ बढ़िया होगी, ग्रोथ बढ़िया होगी तो फ्यूचर में वो फ्यूचर चैलेंजेस को आसानी से मीट कर पाएगा, और वो बहुत ही स्ट्रांगली इमर्ज करेगा अपने कंपेटिटर्स के बीच में, यानी कि उसका सर्वाइवल बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ हम बार बार एक वर्ड को कम अक्रॉस कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट भैया ऑर्गेनाइजेशन का करना होता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई किसी भी तरीके की डेफिनेशन, कोई चीज़ दिमाग में है आपके? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, फर्म, व्हाट इज अ फर्म? एग्जैक्टली, दैट इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पीपल होती है जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं। वॉट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिविजन ऑफ लेबर to achieve a common purpose. इसके अंदर क्या क्या important terms हैं? ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली चीज एक कलेक्शन होगी लोगों की, कुछ लोग होंगे जो इकट्ठे होंगे। क्यों इकट्ठे होंगे? एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। किस तरह से काम करेंगे वो? डिवीजन ऑफ लेबर में। डिवीजन ऑफ लेबर में यानी कि जो लोग एक तरीके का काम करते हैं वो साथ में काम करेंगे, जो लोग दूसरे तरीके का काम करते हैं दूसरे के एक साथ रहेंगे। तो यानी कि जितने भी लोग होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, और उनके बीच में जितने भी टास्क हैं उस पर्पस को अचीव करने के, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट, ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि मैनेजमेंट में आएंगी। ओके, नाउ लेट्स टेक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? ऑल राइट, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो एक कंपनी सेट करती है ना। ये चीज तो हमारी हो गई ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वेल, यू कैन से दैट ऑब्जेक्टिव्स इज बेसिकली एम, मकसद। ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिक मकसद क्या है? मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? द फर्स्ट इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमाइज एफर्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या है? हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट वो चीज़ है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उसके ऊपर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने पूछा, पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है उससे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, राइट? हियर
अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला ऑब्जेक्टिव है इट मैक्सिमाइजेस आउटपुट एंड मिनिमाइज एफर्ट्स. यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग करना है तो उसको सबसे पहले अपना आउटपुट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो वो अपने आउटपुट को बहुत बढ़ा सकती है और जो इनपुट है उसको कम कर सकती है. व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट? प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? एग्जैक्टली, एफर्ट्स. ओके, हियर इट्स नॉट एफर्ट्स, इट इज इनपुट, सॉरी. या एफर्ट्स भी हो सकते हैं वैसे, बट आउटपुट के साथ इनपुट्स जाते हैं. दैट इज द रीजन वी हैव पुट इनपुट्स हियर. नाउ मैक्सिमाइज आउट. अब इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है. क्या टास्क होता है वो? वो सबसे पहले देखती है कि कितने हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या फिर हमारे जो बेसिक मटेरियल्स हैं जिनसे कि प्रोडक्शन करनी है, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, राइट? व्हाट आर द रॉ मटेरियल? बेसिकली आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के? एग्जैक्टली, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर ह्यूमन फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स यानी कि लैंड हो गई आपकी, ठीक है, या मशीनरी हो गई आपकी, एंड फिनेंशियल फैक्टर्स. ठीक है, ये जो आपके तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है. ठीक है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि भैया इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन लिया जाए ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम रीच हो, ताकि जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हो. ठीक है, तो हाउ डज इट डू इट? मैनेजमेंट क्या करती है, आउटपुट को मैक्सिमाइज किस तरह से करती है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन फिजिकल एंड फिनेंशियल फैक्टर्स हैं जो, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालती है ताकि लीस्ट कॉस्ट रहे प्रोडक्शन की और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो. ऑलराइट, ओके, व्हिच इज द सेकेंड वन? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो होती है उसका दूसरा जो गोल होता है दैट इज टू ऑप्टिममली यूटिलाइज और जुडिशियसली यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हियर वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही जो होते हैं दे आर नोन एज रिसोर्सेज एज वेल. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि भैया मैक्सिमाइज आउटपुट कैसे किया जा रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ले करके. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट में, यानी कि हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन judiciously utilize the resources, ये भी management को देखना होता है. The management takes care कि जितने भी resources हैं उसके, human resources हैं, physical resources हैं, financial resources हैं, इन तीनों का judicious use किस तरह से होगा, wastage, spoilage या किसी भी तरीके की breakage को miss out करके. The management takes care of its resources and tries to judiciously utilize them by minimizing wastage, spoilage एंड ब्रेकेज. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से वेस्टेज हो सकती है, किस तरह से जुडिशियस यूज नहीं होगा? या तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वेस्ट होंगे. अब रॉ मटेरियल्स के अंदर सिर्फ आपके फिजिकल फैक्टर्स नहीं आते, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के अंदर आपके ह्यूमन फैक्टर भी आता है. एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शायद आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट? व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डू यू नो व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? राइट, दैट इज डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट. तब उसके अंदर क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है एक बंदे की. एक इंसान जो है जो कि कुछ और काम कर सकता है, कुछ और चीज़ की प्रोडक्शन कर सकता है, ही इज नॉट बींग एम्प्लॉयड देयर. रादर वो एक ऐसे काम को कर रहा है जिसमें उसकी ज़रूरत नहीं है. तो इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली ह्यूमन फैक्टर्स की वेस्टेज हुई. राइट, नाउ आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मैक्सिमाइज प्रोस्पैरिटी. ओके, नाउ जो मैनेजमेंट है
उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रोस्पेरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोस्पेरिटी? प्रोस्पेरिटी मीन्स हैप्पीनेस. ऑलराइट, नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, साफ़ सुथरी जगह है, पंखे वंखे चलते हैं, अच्छी लाइटिंग है, हो सकता है शायद एसी भी चल रहे हो वहाँ पर, ठीक है ना, और वेज सिस्टम अच्छा है, उनको पैसे अच्छे मिलते हैं, इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं अगर वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं या जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं तो उनको और अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है. अब इस तरह की कंडीशंस हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ वे में रन कर रही है तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बहुत ही प्रॉस्पर होंगे, दे विल बी वेरी प्रॉस्परस. सो गुड वर्किंग कंडीशंस, ये सारा काम किसका है? टू ऑफर गुड वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेज सिस्टम, इंसेंटिव प्लान, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कौन अश्योर करता है? दीज थिंग्स आर इंश्योर्ड एंड अश्योर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक मैनेजमेंट ही होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गुड वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखती है, वेज सिस्टम का ध्यान रखती है, इंसेंटिव प्लान का ध्यान रखती है, एंड इन सब चीज़ों का अगर वो ध्यान रखती है तो इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर स्मूथ फंक्शनिंग होगी तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो एम्प्लॉयज जो होंगे दे विल प्रॉस्पर. ऑल राइट, अगर एम्प्लॉयज प्रॉस्पर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसको कंज्यूम करने के लिए भी उनकी एबिलिटी आ जाएगी. क्यों? क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैज़ अ फेयर वेज सिस्टम एंड अ ग्रेट इंसेंटिव प्लान. फेयर वेज सिस्टम और इंसेंटिव प्लान के थ्रू उनके फिनेंशियल मैटर्स सॉल्व होंगे, एम्प्लॉयज़ के फिनेंशियल मैटर्स सॉल्व होंगे, और जो भी वो हायर प्रोडक्शन कर रहे हैं दे इट विल बी ईजिली कंज्यूम्ड बाई दीज एम्प्लॉयज़, एंड इफ देयर कंजम्पशन पार्ट इज टेकन केयर ऑफ इन अ गुड मैनर दे विल डेफिनेटली प्रॉस्पर. अंडरस्टूड? ऑल राइट, नाउ वॉट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? आपका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल वेलफेयर एज वेल. अब कैसे सोशल वेलफेयर का कैसे, हाउ डज इट टेक केयर ऑफ द सोशल वेलफेयर? ओके, नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वेज सिस्टम बढ़िया है, अच्छी कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस जो अच्छी हैं जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा, इंसेंटिव प्लान अच्छा है, एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं. अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, मोर पीपल विल बी हायर्ड, ठीक है. व्हेन मोर पीपल विल बी हायर्ड वही लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे, वो जो नए लोग हिस्सा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस चेन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. उन लोगों को भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, उन लोगों को भी अच्छा वेज सिस्टम मिलेगा, उन लोगों को भी अच्छी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल वेलफेयर को भी अचीव करता जाएगा. राइट, किस तरह से हुआ सोशल वेलफेयर? वंस अगैन मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी, अच्छा वेज सिस्टम दिया, अच्छे इंसेंटिव्स दिए, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब से सेटिस्फाई होकर के अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई. प्रोडक्शन बढ़ाई तो जो कंपनी है उसने लोगों को और हायर किया क्योंकि वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता था. और किस तरह से वही पैसा मार्केट में घूमता रहा और लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया. अंडरस्टूड? एग्जैक्टली, आज की डेट में देयर इज दिस CSR, जो हमारी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है CSR का, जिससे कि वो जिसके थ्रू वो चैरिटी करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं. शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो भी एक हिस्सा है, एंड अगेन दैट ऑल्सो कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. हाउएवर हियर हम लोगों ने इसको डायरेक्टली मैनेजमेंट से रिलेट किया है, डायरेक्टली वर्किंग कंडीशन से रिलेट किया है, डायरेक्टली आउटपुट और प्रोडक्शन से रिलेट किया है. ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट, CSR भी एक पॉइंट होता है, CSR भी एक डिपार्टमेंट होता है कॉर्पोरेट्स में जिसके थ्रू वो सोशल वेलफेयर का पार्ट लेते हैं.
ऑलराइट, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हुए, इज देयर एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. MGMT इज द अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट वन इज अचीविंग ग्रुप गोल्स. ऑलराइट, नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं. एवरीवन जॉइंस एज एन इंडिविजुअल. हर एम्प्लॉय जो होता है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की तरह से ज्वाइन करता है. वंस द एम्प्लॉय जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशन, धीरे 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 करके उनके ग्रुप्स बनते चले जाते हैं. ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रुप्स बनते जाते हैं, हर ग्रुप की एक अलग. अब ग्रुप कैसे बनता है? व्हेन हैव यू हर्ड द सेइंग बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर? यानी कि जो एक जैसे लोग होते हैं अक्सर वही साथ में पाए जाते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. जो लोग जिन लोगों की डिमांड्स एंड नीड्स एक सी होती हैं वही लोग ग्रुप बनाते हैं. लेट्स से देयर इज अ ग्रुप ए. ठीक है, ये ग्रुप जो चाहते हैं, ये चाहते हैं भैया वी वांट मोर ऑफ मनी. ठीक है, दे आर मोर मनी ओरिएंटेड. दे वांट कि हमें जितना इंसेंटिव प्लान हमारा बढ़े. देयर इज अनदर ग्रुप बी. ठीक है, विच इज वेरी मच इनटू चिट चैटिंग. ठीक है, जैसे हम क्लासरूम में भी देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं. जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं ना जनरली साथ साथ रहते हैं. कुछ बच्चे तो जो बातें करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा बातें करते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है. राइट, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. जैसे एक ग्रुप है जो कि मनी ओरिएंटेड है, एक ग्रुप है जिसके लिए भाई जॉब सेटिस्फैक्शन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कि ठीक है पैसे कम भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने काम से संतुष्टि मिलनी चाहिए. ठीक है, अब अलग अलग किस्म के ग्रुप ए बी सी डी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं. मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टू इंटीग्रेट द ग्रुप गोल्स विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर ग्रुप का जो गोल है, ठीक है, हर ग्रुप का अलग अलग गोल है. उस ग्रुप का, हर ग्रुप के गोल को मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंटीग्रेट करना. अगर मेरा और लेट्स से एक्स वाई जी दूसरे इंसान है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, उनका गोल अलग है, आई एम सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव, अगर उनका गोल अलग है और मेरा गोल अलग है तो हम साथ में काम नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल माने. ठीक है, अब ये काम कौन करेगा, उनको ये चीज़ में कन्विंस कौन करेगा? तो मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या काम होता है? लेट्स से इफ आई वांट मोर मनी फॉर माय वर्क. ठीक है, नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट माय वर्क, माय ऑब्जेक्टिव, माय गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन्स गोल. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? मोर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना, अब लेट्स से मैनेजमेंट कहती है कि भैया अगर आप काम अच्छा करोगे, इफ़ यू विल डू वेल, इफ़ यू विल प्रोड्यूस मोर, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको वेज सिस्टम में भी इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लस इंसेंटिव्स भी ज़्यादा मिलेंगे. तो आपका जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन है वो भी मीट कर गया. राइट, तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि भैया जो ग्रुप गोल्स हैं, जो हमारे अलग अलग ग्रुप के गोल्स हैं, जैसे एक ग्रुप का मनी का गोल था, दूसरे ग्रुप का जॉब सेटिस्फैक्शन का गोल था, उन सबको इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लाइन में लाना. अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, सेकंड जो आपका है, अगेन इंपॉर्टेंस कहाँ आती है मैनेजमेंट की? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में. ये हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट की दूसरी इंपॉर्टेंस यही आती है कि भैया जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, तीन रिसोर्सेज होते हैं एज वी इनिशियली डिस्कस्ड, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स. इन तीनों रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो भी पैसा इनकी वेस्टेज से बचा है उस अमाउंट को नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जा सके, या फिर उस पैसे को किसी और डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा सके. अगर वेस्टेज होगी तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द वेस्टेज ऑफ योर फिजिकल फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स, पैसों की भी वेस्टेज होगी. अगर हम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को सही तरीके से, तो उस वेस्ट होते हुए पैसे को ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जगह लगाएगी, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ज़्यादा आसान हो जाएगा. थर्ड इज योर रिड्यूस्ड कॉस्ट. मैनेजमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है? मैनेजमेंट हैज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी? कैन यू टेल मी हाउ विल द मैनेजमेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन?
हाउ विल इट हैव मैक्सिमम आउटपुट. एब्सोल्युटली राइट. अगर मैक्सिमम आउटपुट हुआ तो कॉस्ट रिड्यूस. ओके, आउटपुट मैक्सिमम हुआ तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? ऑल राइट, इन अ नटशेल, अगर वेस्टेज कम होगी, अगर रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. राइट. अगर हम अच्छी लेबर फोर्स हायर करेंगे, अगर हम अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन. नो, अगेन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कैसे होगी, वील कम बैक टू दैट. हमने यहाँ पर देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वेस्टेज अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं किसी और डायरेक्शन में. अब चैनलाइज किस तरह से किया? वी हायर्ड अ गुड वर्क फोर्स. अगर हमने अच्छी वर्क फोर्स या अच्छी लेबर फोर्स हायर की है तो वो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करेगी, इजंट इट? अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट कवर अप हो गई. यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट्स? ठीक है. तो अगेन, वंस अगेन, अगर हमने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ किया, वेस्टेज अवॉइड करी, स्पॉयलेज अवॉइड करी, ब्रेकेज अवॉइड करी, तो पैसा जो बचेगा ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी लेबर फोर्स को हायर करने में लगा देगी. अच्छी लेबर फोर्स अगर हायर करेगी वो, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. अच्छी लेबर फोर्स क्या होती है? जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे कम कॉस्ट में. वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट, नाउ एस्टैब्लिशमेंट of a sound organization. Now, what do you mean by a sound organization? Happy organization, growing organization. All right. अब management का क्या काम होता है भाई? अगर management इन तीनों चीज़ों को ध्यान से करेगी, resources को अच्छे से utilize करेगी, अच्छी working conditions देगी, group goals achieve करेगी, cost reduce करेगी, तो automatically वो organization एक sound organization होगी. Right? क्योंकि वहाँ पर employees जो हैं उनको भी हर तरीके की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे कंडीशंस मिलेंगी. और दूसरी चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द मैक्सिमम, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम, वो भी अचीव होगा. तो अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल टर्न इनटू अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन. द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. नाउ ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. ठीक है. नाउ मैनेजमेंट का एक और, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है? एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी इंटरैक्ट करना पड़ता है. राइट. इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, मार्केट हो गई. ठीक है. ये सारे जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. नाउ व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम और अ बैलेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इटसेल्फ, द मैनेजमेंट कम्स इनटू प्ले. ठीक है. मैनेजमेंट का काम क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, उनको और ऑर्गेनाइजेशन को आपस में एक बैलेंस बनवाना. ऑल राइट. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी. ये हमने अगेन थोड़ी देर पहले पढ़ा था. अभी प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी कैसे होता है? मोर ऑफ प्रोडक्शन, मोर ऑफ हायरिंग, more of job opportunities, and the money goes back into the market, and again prosperity of the society. जो हमने अभी थोड़ी देर पहले social aspect पढ़ा था वही same point है ये. Okay? Now, अब let's take another topic which asks us a question. अगला जो topic है वो हमसे question पूछता है. ठीक है. कि management जो है, what is it basically? Is it art or is it science? Management क्या है? Is it an art or is it science? Okay, both. How? Because art means creativity and innovation, or science so that the universal technique. All right, science
क्यों है? योर राइट, मैनेजमेंट जो है आर्ट्स भी है और साइंस भी है. इट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, राइट? नाउ साइंस हियर, सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट साइंस. साइंस इज समथिंग विच इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, विच हैज अ सिस्टमैटिक नॉलेज और अ बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, हमारा जो मैनेजमेंट है इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, सॉरी, जो मैनेजमेंट है ये हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उनकी स्टडी पर डिपेंड करती है बहुत हद तक. ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करती है. ठीक है, क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं, मैनेजमेंट का क्या काम होता है? उन लोगों के साथ डील करना. तो ऑटोमेटिकली उनके ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही डिलेट, उनके बिहेवियर के साथ डील कर रही है. तो मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज अ स्टडी ऑफ इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है हमारी? नॉलेज. व्हाई इज इट साइंस? बिकॉज इट डील्स विद द, ओके, कोई भी अगर हमारी सिस्टमैटिक स्टडी किसी भी चीज़ की साइंस कहलाती है. एनी सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस. व्हाई इज मैनेजमेंट साइंस? बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? व्हाई इज इट आर्ट्स? बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, कोई भी चीज़ आर्ट्स कब होती है? जब उसके अंदर एप्लीकेशन आ जाता है. ठीक है ना, ये दो वर्ड्स हैं जो कि डिफाइन कर रहे हैं. साइंस जो होती है नॉलेज होती है, एंड आर्ट्स जो होती है वो एप्लीकेशन होती है. ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. स्टडी यानी कि नॉलेज. ठीक है, हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, उसकी नॉलेज के साथ डील करते हैं. और दूसरी बात, उसी नॉलेज को जो हमने अटेन करी है ह्यूमन बिहेवियर की, उसकी एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं? मैनेजमेंट में. दैट इज द रीजन इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स. हाउ एवर, जो आपकी मैनेजमेंट है इट इज इन एग्जैक्ट साइंस. व्हाई इज इट इन एग्जैक्ट साइंस? इन एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन अप्रोप्रिएट और नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. ठीक है, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है. क्यों इन एग्जैक्ट साइंस है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में मैं किस तरह से रिएक्ट करती हूँ, मैं किस तरह से बिहेव करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि कोई और भी उसी तरीके से बिहेव करे, राइट? दैट इज़ द रीज़न मैनेजमेंट जो है एक इन एग्जैक्ट साइंस है. बिकॉज इट डजंट गिव आंसर्स टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स का ये आंसर नहीं दे पाती है, इसीलिए इन एग्जैक्ट साइंस है. क्यों? क्योंकि भैया एक सिचुएशन में हर इंसान उसी तरह से क्यों नहीं बिहेव करता? दिस इज वन क्वेश्चन जो कि मैनेजमेंट आंसर नहीं कर पाती है, इसीलिए इट इज इन एग्जैक्ट साइंस. ठीक है, इट इज इंटीग्रेटेड स्टडी. आपकी जो मैनेजमेंट है ये एक इंटीग्रेटेड स्टडी है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड मीन्स अमलगमेशन, जोड़. ठीक है, ये बहुत सारी साइंसेस को जोड़ करके बनती है. जैसे कि इसके अंदर आपकी एंथ्रोपोलॉजी आती है. व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इसके अंदर आती है. सोशियोलॉजी का भी एक हिस्सा हम मैनेजमेंट में देख सकते हैं. भैया सोसाइटी को डील करना है मैनेजमेंट को, तो ऑटोमेटिकली सोशियोलॉजी आ गई. साइकोलॉजी भी है, होती है इसके अंदर. साइकोलॉजी यानी कि साइक ऑफ पीपल. ठीक है, हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ डू दे रिएक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी के अंदर आती हैं. इकोनॉमिक्स का हिस्सा भी होता है इसके अंदर. वाई इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ जो मैनेजमेंट है उसको डील करना पड़ता है. पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल, एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, उस चीज़ के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हद तक डिपेंड करती हैं. तो ऑटोमेटिकली यू सी कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस भी है. क्यों? क्योंकि इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये आर्ट्स भी है क्योंकि इसके अंदर वो जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है वो अप्लाई हो रही है.
मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि इसमें सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. और इट इज़ इंटीग्रेटेड स्टडी. क्यों इंटीग्रेटेड स्टडी है? क्योंकि इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें भी मिल करके इंफॉर्मेशन हमें देती हैं. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्रोफेशन? एक प्रोफेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर इज, मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है? सी, एक प्रोफेशन के चार फीचर्स होते हैं, चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? सिस्टमैटिक नॉलेज. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और प्रीसेट क्राइटेरिया. लर्निंग एंड ट्रेनिंग. गोल ऑफ, सॉरी, गोल ऑफ सर्विंग, आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू से? कोड ऑफ कंडक्ट. नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट इज समथिंग एल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन. कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है. कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपको किस तरीके से अपने आप खुद बिहेव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. दैट मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट. हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड योर कोड ऑफ कंडक्ट. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको आपको अबाइड करना होता है, वो सब कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं. एक प्रोफेशन क्या होता है? जिसके अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज हो, जिसमें एंट्री जो हो लोगों की वो एक किसी एग्जामिनेशन के बेसिस पर हो, या फिर कोई प्रीसेट क्राइटेरिया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जिसके बेसिस पर लोगों की एंट्री हो. उसमें लर्निंग एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की. एंड द थर्ड वन इज गोल ऑफ सर्विंग. ओके, लेट्स टेक दम वन बाय वन. क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? उसके अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट इज द रीजन इट इज साइंस. उसके अंदर लर्निंग एंड ट्रेनिंग होती है, लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ओरिएंटेशन होता है, बार बार टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो अप टू डेट रहें. लर्निंग एंड ट्रेनिंग भी होती है. क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है उसका सर्व करने का गोल होता है? क्या उसका मकसद होता है टू सर्व पीपल? यस, तभी तो वो लोगों के साथ डील करती है, क्योंकि उसका मेन पर्पज़ सर्व करना होता है. या तो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेगी मैनेजमेंट, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सर्व करेगी मैनेजमेंट. तो द गोल ऑफ सर्विंग इज ऑल्सो देयर. हाउ एवर, क्या मैनेजमेंट के अंदर एंट्री किसी बेसिस किसी एग्जामिनेशन के बेसिस पर होती है? नो. देर आर इंस्टेंसेस, आज की डेट में भी कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के बल पर मैनेजर्स नहीं बने हैं, हु हैव ग्रोन ग्रेजुअली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क. ठीक है, अब मैनेजर्स, देर आर मैनेजर्स हु हैव डन MBAs, दे आर हाईली एजुकेटेड मैनेजर्स सीनियर लेवल पर, मिडिल लेवल पर. बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करके आते हैं, कोई एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट सच मैनेजर्स जो कि अपनी मेहनत के कारण मैनेजर बने हैं. राइट, सो एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन या प्रीसेट क्राइटेरिया, इट डजंट होल्ड ट्रू. दैट इज द रीजन मैनेजमेंट पूरी तरह से एक प्रोफेशन नहीं है. ऑलराइट, चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक. स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे. कुछ फ्रेडरिक की थ्योरी है, कोई हेनरी की थ्योरी है. फ्रेडरिक यानी कि फ्रेडरिक टेलर है, कुछ हेनरी फेयल है, उनकी थ्योरी है. कुछ अप्रोचेस भी हैं मैनेजमेंट की. हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सर्टेन अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट.
Let's take the first approach, that is empirical approach. Now, what do you understand by empirical approach? Now, इस अप्रोच के अंदर जो थ्योरिस्ट्स थे, उन थ्योरिस्ट्स ने कहा कि पास्ट में जो मैनेजर्स रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ध्यान में रख के या उन्होंने जो एंडेवर्स किए, उन्होंने जो मेहनत की है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने करने के लिए, उन एग्जांपल्स से, उन इंस्टेंसेस से वी कैन लर्न एंड वी कैन ड्रॉ फ्रॉम देम. और आज की डेट में हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वी कैन सॉल्व देम. ऑलराइट, इस अप्रोच के अंदर व्हाट डिड द थ्योरिस्ट से, उन्होंने कहा कि जो पास्ट में मैनेजर्स रहे हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम देम, वी शुड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड हाउ दे टैकल्ड द प्रॉब्लम देन. And from that, we can solve the problems that we are facing today. Understood? Any doubt? Okay. The second approach is your human behavior approach. Okay. As the name suggests, इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है, इसके जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया है? Yes, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पर जोर दिया है. ठीक है, अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पीपल. ठीक है, मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू पीपल. तो इन दोनों ही चीज़ में कॉमन क्या है? पीपल. ठीक है, अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंग्रेडिएंट जो है, इंग्रेडिएंट जो है वो पीपल है, तो ऑब्वियसली उनके बिहेवियर पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. राइट, तो हियर दिस इस थ्योरी के जो इस अप्रोच के जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने यही चीज़ कही थी कि भैया द मेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को टैकल कर लेंगे ठीक तरीके से, तो फिर इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स. ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप की अप्रोचेस थी, आपकी दो अप्रोचेस कौन सी थी? एक तो इंटरपर्सनल अप्रोच थी, और एक ग्रुप बिहेवियर अप्रोच. इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच के अंदर क्या होता है कि भैया इंडिविजुअल्स से रिलेट करती है, इंडिविजुअल्स के जो बिहेवियर हैं उनके ऊपर ये फोकस करती है, और ग्रुप बिहेवियर अप्रोच में जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ फोकस करती है. नेक्स्ट इज योर डिसीजन अप्रोच. नाउ डिसीजन अप्रोच, एक मैनेजमेंट को कौन, हु मैनेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? द मैनेजर. ठीक है, अब जो मैनेजर होता है उसके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक डिसीजंस. ठीक है, डिसीजन अप्रोच यही चीज़ बताती है कि एक मैनेजर जो है उसका बेसिक गोल जो होना चाहिए होता है, दैट इज़ टू मेक डिसीजंस इन डिफरेंट कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, मैनेजर जो है अलग अलग कंडीशंस के अंडर अलग अलग सिचुएशंस में डिसीजन बनाता है, डिसीजंस लेता है. और इसके थ्रू मैनेजर जो थ्योरिस्ट है उन्होंने कहा था कि मैनेजर्स के अंदर वो स्किल्स डालनी चाहिए हमें, वो स्किल्स इनकलकेट करनी चाहिए हमें, जिससे कि वो इवन अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डिसीजन अप्रोच, इसके अंदर थ्योरिस्ट ने कहा था कि जो मैनेजर्स हैं उनका काम होता है टू मेक डिसीजंस. ठीक है, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन के अंडर वो डिसीजंस बनाते हैं. थ्योरिस्ट ने क्या कहा कि कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, मैनेजर्स के अंदर हमें वो स्किल्स डालनी चाहिए, ऐसी स्किल्स डालनी चाहिए ताकि इवन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस वो सही डिसीजन ले सके. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजंस? डिसीजंस का मतलब होता है कि भैया हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के यही अल्टरनेटिव्स हैं. मैनेजर का रोल कहाँ आता है? टू डिसाइड कि वो किस अल्टरनेटिव के साथ जाना चाहता है. ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, दो रास्ते या तीन रास्ते हैं. ठीक है, हम कौन सा रास्ता लेंगे? देयर इज द पॉइंट व्हेन वी हैव टू डिसाइड. एक रास्ता है जिसमें जाम लगा होगा, एक रास्ता है जिसमें रेड लाइट्स बहुत है, और एक रास्ता जो कि थोड़ा लंबा है, वेदर इट इज क्लीनर, विच वन विल वी गो फॉर?
द थर्ड वन राइट. हियर वी मेड अ राइट चॉइस, हियर वी मेड द डिसीजन. उसी तरीके से मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि सारे के सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है एंड विच अल्टरनेटिव विल ही गो विद. ठीक है. नाउ योर फोर्थ वन इज मैथमेटिकल अप्रोच. ओके. नाउ इसके अंदर जो थ्योरिस्ट थे या जो हमारे जिन लोगों ने ये अप्रोच फॉर्म करी थी उन लोगों ने ये कहा था कि भाई अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, यानी कि जो मैनेजमेंट करता है, ये सारे अगर लॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इन सब के पीछे अगर कोई लॉजिक है, तो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला ज़रूर बनाया जा सकता है जिससे कि एक शॉर्टकट निकल आए. ठीक है. क्या कहा था इन लोगों ने, इन्होंने कहा था कि भैया अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया आपका, स्टाफिंग हो गया आपका, अगर इफ़ दे ऑल आर लॉजिकल प्रोसेसेस, अगर ये लॉजिकल प्रोसेसेस हैं तो देर हैज़ टू बी सम वे सो दैट ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस कैन बी कार्व्ड इनटू स्पेसिफिक फॉर्मूला. और जब भी कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आए तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस फॉर्मूले के अंदर डालें तो उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल जाए. ठीक है. एनी डाउट्स? वंस अगैन, मैथमेटिकल अप्रोच के अंदर इट इज़ सिंपल मैथ्स. ठीक है. इसके जो थ्योरिस्ट थे इसके में जो जिन लोगों ने फॉर्म किया उन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल इंक्लिनेशन था उनका. उन्होंने कहा कि जो भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट्स के अगर वो लॉजिकल प्रोसेसेस हैं तो कोई ज़रूर फार्मूला बन सकता है भाई. ठीक है. और उस फॉर्मूले के अंदर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम उस फॉर्मूले में डालें तो उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए. ठीक है. योर फिफ्थ अप्रोच एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशनल अप्रोच. इस अप्रोच ने इन सभी प्रीवियस अप्रोचेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो भी डिटेल्स मिली थी, जो भी नॉलेज गैदर हुई थी, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया. ठीक है. ऑपरेशनल अप्रोच के अंदर क्या किया, इट इंटीग्रेटेड द इन्फॉर्मेशन विच वॉज गिवन बाय द रेस्ट ऑफ द अप्रोचेस एंड इट ट्राइड टू कम अप विद दोज वेज जिससे कि मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है. इसने क्या किया, इन चारों जो अप्रोचेज हैं, इन चारों अप्रोचेज से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसको निकाला, उसका जो मेन रस था वो निकाला और एक ऐसा तरीका निकालने की कोशिश करी जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से इफेक्टिव रहे. ऑलराइट. चलो, हियर वी एंड विद द स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट. लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक. अब तक कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई डाउट? No, there's no formula as such. It is just an approach. Approaches तो आती रहती हैं, उनके failures भी होते हैं, कुछ criticize भी होती हैं कुछ basis पर. उन्होंने कहा था कि logical process है तो क्या कोई formula हो सकता है ऐसा. और however, as we rightly अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी situation, again आगे जाके हम situational theory भी पढ़ेंगे. सिचुएशनल थ्योरी क्या होती है, सिचुएशनल थ्योरी होती है कि कोई भी मैनेजर जो होता है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ता है और हर सिचुएशन एक सी नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंज उसके अंदर ज़रूर होगा. राइट. सो इट फेल्स हियर, इट डजंट. कोई भी दो सिचुएशन एक सी, कैन टू पीपल बी अलाइक? सिमिलरली टू सिचुएशंस कान बी द सेम. दे कैन बी सिमिलर बट दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली द सेम. ठीक है. तो दिस कैन नॉट होल्ड ट्रू इन द रियल लाइफ सिचुएशन. हाउ एवर, जो हमने लास्ट ऑपरेशनल अप्रोच पढ़ी है उस अप्रोच के अंदर ये चीज़ ज़रूर कही गई है कि भैया कुछ इस इन सभी चारों पाँचों जो हमारी अप्रोचेज हैं इन सब के अंदर से जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो निकालो. ठीक है. और ऐसा तरीका अप्लाई करो, ऐसा तरीका निकालो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इफेक्टिव हो और उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकें. ठीक है ना. वहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है इन द लास्ट अप्रोच, दैट इज योर ऑपरेशनल अप्रोच. ओके. नाउ लेट्स टेक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं भाई? सी, आज की डेट में फंक्शंस यानी कि क्या काम करता है मैनेजमेंट. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
पांच फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के. पहला होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. राइट, ये पांच फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर होते हैं. ये आज की डेट के फंक्शंस हैं हमारे. ठीक है, इससे पहले भी एज ए सर कुछ थ्योरिस्ट कोई आता रहता है. ठीक है ना, उस टाइम में भी कुछ थ्योरिस्ट आए थे तो उन्होंने भी कुछ फंक्शंस दिए. लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट एंड देन वील कम डाउन टू व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन टुडेज लाइफ. सबसे पहले इनका नाम हम बार बार पढ़ चुके हैं, आज ही शायद हम तीन बार पढ़ चुके हैं, मिस्टर हेनरी फेल का. ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है ना, उस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि इस थ्योरी के थ्रू यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजमेंट, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, एंड यू हैव टू कम अप विद दोज प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस विच यू कैन मेक द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव. ठीक है, इस थ्योरी के अंदर इन्होंने जो दी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी. वंस अगेन उन्होंने क्या बोला था उस थ्योरी के अंदर कि भैया वो जो थ्योरी थी बेसिकली हमें जो मैनेजमेंट है उसके बेसिक टास्क के ऊपर लाइट डालती थी और ये कहती थी कि भैया ऐसे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बताओ या ऐसे प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस निकालो जिससे कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इफेक्टिव हो. इस थ्योरी नटशेल में ये थ्योरी ये कहती थी. हाउएवर वो थ्योरी डिटेल में क्या कहती थी, वी विल कम बैक टू इट लेटर. ठीक है, अब ये जो हमारे मिस्टर हेनरी फेल थे इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम. ठीक है, सिक्स कैटेगरीज क्या हैं, वो योर टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग. सॉरी, क्लिप्ड ऑफ माय माइंड. अकाउंटिंग. तो मिस्टर हेनरी फेल ने ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको छह कैटेगरीज में डिवाइड किया था. वो छह कैटेगरीज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल थी. ठीक है, टेक्निकल को उन्होंने एक पार्ट दे दिया और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाकी के पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया. क्या क्या कह के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कमर्शियल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है और आपकी अकाउंटिंग हो सकती है. ठीक है, अब इन्होंने मैनेजरियल फंक्शंस जो थे उनको भी पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया. फाइव तरह से, पांच तरीके से डिवाइड कर दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग. मिस्टर हेनरी फेल ने पांच एक्टिविटीज में डिवाइड किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, ओके. इसके बाद और भी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे मिस्टर लूथर ने दी थी एक थ्योरी जिसके अंदर POSD, ओके, POSDCORB, ओके. नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, इसका फुल फॉर्म निकालना है. ठीक है, लेट्स गो बैक होम. मिस्टर लूथर ने दी थी POSDCORB. ये जो हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, क्या क्या हो सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट्स. दिस इज एन अब्रीविएटेड फॉर्म, प्लानिंग, ओके. आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड वॉट इज इट. ये आपका MCQs के फॉर्म में बहुत आता है, दैट इज रीजन आई वॉन्ट यू टू लुक फॉर इट, POSDCORB. ये लूथर ने क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, ओके. उसके बाद लेट्स कम डाउन टू द मॉडर्न थ्योरी.
ठीक है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं? सी, अभी एज यू राइटली सेड, मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं, द फर्स्ट वन बीइंग प्लानिंग. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी विल टेक ऑल दीज फाइव फंक्शंस वन बाय वन इन माइनी इन लिटिल डिटेल. ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको हम, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, वील टेक वन बाय वन ईच ऑफ द फंक्शंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? आई एम सॉरी, एग्जैक्टली. प्लानिंग मतलब कि अपने फ्यूचर को लेकर के प्रेडिक्शंस देना या फिर अजम्पशंस करना, या फिर ये प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टू डिसाइड क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. ठीक है, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज डिसाइडिंग व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन and when it has to be done. ठीक है, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, इन केस अगर प्लानिंग नहीं है तो नथिंग कैन बी अचीव्ड. ठीक है, प्लानिंग कब की जाती है, टुडे, और किसके लिए की जाती है, फॉर द फ्यूचर, राइट. सो इट ब्रिजेस द गैप between present and future. ठीक है, it bridges a gap between present and future. क्यों? क्योंकि भैया हम आज planning कर रहे हैं कल के लिए. It is a preparatory step. Preparatory step क्यों है ये? क्योंकि आज हम preparation कर रहे हैं कल के लिए. ठीक है, it is a preparatory step for the future course of action. इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर के प्लानिंग करते हैं कि हम कल क्या करेंगे, कल एज इन टुमारो, नॉट एग्जैक्टली टुमारो बट इन फ्यूचर. ठीक है, सो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट जो होती है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर वो क्या करती है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट का जो गैप होता है उसको फुलफिल करती है. किस तरह से फुलफिल करती है, कि कल वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे और कब प्रोड्यूस करेंगे, हाउ इट हैज़ टू बी डन, व्हाट हैज़ टू बी डन एंड व्हेन इट हैज़ टू बी डन. ये सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है. ठीक है, वेदर इट इज़ हायरिंग ऑफ पीपल, वेदर इट इज़ मीटिंग दी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन हो गई, या फिर किस तरह से ग्रो करना है उसको कल को, उसकी ग्रोथ चार्ट, सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से ही चलती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग मतलब, राइट, अरेंजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अगर एक टर्म में देखें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या अरेंज करना होता है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को क्या ऑर्गेनाइज करना होता है? मैनेजमेंट हैज टू ऑर्गेनाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये जो स्टेप होता है इट फॉलोज प्लानिंग, दिस स्टेप फॉलोज प्लानिंग. और एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो करती है, ऑर्गेनाइज करती है, इट ऑर्गेनाइजेज और सिंक्रोनाइजेज. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या सिंक्रोनाइज होता है इसके अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंक्रोनाइज होते हैं. क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वंस अगेन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फाइनेंशियल कैपिटल, यस, राइट. द थर्ड वन इज योर स्टाफिंग.
What do you mean by staffing? Staffing या human resource management जो function है आपका, what is it related to? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग जो आपने कहा कि सही इंसान को राइट मैन ऑन द राइट जॉब दिस वॉट यू मीन टू से दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग हाउ एवर स्टाफिंग का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग में क्या करती है मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ की जरूरत हो वर्क मैन पावर की जरूरत हो वर्क फोर्स की जरूरत हो जब भी और जिस भी तरीके की मैन फोर्स की जरूरत हो मैन पावर की जरूरत हो उस तरीके के लोगों को वो अवेलेबल कराए उस टाइम पर ऑलराइट सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग रेफर्स टू द adequate supply of qualified and competent people to the organization as and when needed. Okay, staffing में क्या होता है staffing में once again organization का ये काम होता है कि वो organization को जब भी जरूरत पड़े staffing में management का काम होता है कि organization को जब भी लोगों की जरूरत पड़े उनको वो qualified and competent लोग available कराए ठीक है अब कुछ organizations है जिसमें साल भर हायरिंग चलती रहती है साल भर ये स्टाफिंग का काम होता रहता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑन एंड ऑफ ये काम होता है जब रिक्वायरमेंट होगी तब लोगों को हायर किया जाएगा तो स्टाफिंग क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑन गोइंग प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस है येस इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वाई बिकॉज स्टाफिंग के अंदर सिर्फ हायरिंग नहीं होती है स्टाफिंग के अंदर प्रोक्योरमेंट होती है विच इज़ हायरिंग बेसिकली स्टाफिंग के अंदर मेंटेनेंस होती है लोगों की मेंटेनेंस यानी कि भाई जो लोग हायर कर लिए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आज हायर किए और कल छोड़ जाएं इट इज़ दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि वो उन लोगों को होल्ड करके रखे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है उनके वेजेस एंड सैलरीज वगैरह का पार्ट भी जो है हमारा स्टाफिंग के अंदर ही किया जाता है ठीक है उनकी डिवेलपमेंट जो होती है वो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही होता है एज स्टाफिंग सजेस्ट्स ठीक है ये आपके तीन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए चौथा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है डायरेक्टिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डायरेक्टिंग डायरेक्ट करने का मतलब कोई बता सकता है किस तरह से डायरेक्ट करना कि वो ओके टू एन एक्सटेंड यूर राइट डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है जो मैनेजर्स होते हैं दे डायरेक्ट द इंडिविजुअल्स या फिर दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स टू दिस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है उसके अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम है ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इन्फ्लुएंसिंग द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क for the achievement of goals of the organization. किस तरह से करते हैं managers direct?
किस हाउ डू दे डायरेक्ट बाय मोटिवेटिंग पीपल, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनको मैनेजर्स कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, लीडरशिप के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेशन के थ्रू डायरेक्ट करते हैं एंड सुपरविजन के थ्रू डायरेक्ट करते हैं। किस तरह से उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं और इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, उनके लीडर बन के उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए और इस तरह से उनको डायरेक्ट करते हैं, प्लस कई बार उनको सुपरवाइज भी करते हैं, उनको इस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं। नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोल। नाउ एट टाइम्स इट हैज बीन नोटिस्ड कि सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सही हैं, ठीक है, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, प्लानिंग भी अच्छी हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी हो गई, अच्छा स्टाफ हमने रिक्रूट किया है, डायरेक्ट भी हम अच्छे तरीके से करते हैं, इवन देन द ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो रहे, जो टास्क मेन हमने प्लान किया था वो उस तरह से नहीं चल रहा, देयर द फंक्शन ऑफ कंट्रोल कम्स इन। इन दिस फंक्शन, ड्यूरिंग दिस फंक्शन द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज डन एंड अ रेगुलर फॉलो अप ऑफ द प्लान इज डन, ठीक है। एट टाइम्स एज आई सेड कि कई बार सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, ये तो हर बार होता है ना, हम जैसे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं लेट अस से, हमने बहुत अच्छी तैयारी करी, हाउ एवर रात रात भर जगे, दिन में भी अच्छे से पढ़े, हाउ एवर एग्जाम जब हुआ देन वी नोटिस दैट एग्जाम से मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, वॉट डू वी डू, वी गो बैक, वी ट्राई टू मॉनिटर कि हमने कहाँ गलती करी, राइट, एंड देन वी रियलाइज कि प्रॉब्ली हमने जो टॉपिक्स हमें ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए था उन पे हमने नहीं किया और जिन पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उन पे हमने ज़्यादा एम्फोसाइज किया एंड दैट इज़ हाउ वी वेस्टेड टाइम, ठीक है ना। कंट्रोल के अंदर फंक्शन में, कंट्रोल फंक्शन में क्या होता है, यही चीज़ होती है। इस फंक्शन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ पर कोई लूप होल रह गया है, कंटिन्यूसली वो प्लान को मॉनिटर करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली प्लान को मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर कहीं भी प्लान में डिविएशन है तो उसको ठीक किया जाए, ठीक है, और रेगुलर फॉलोअप लेते हैं कि क्या जो भी प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया उससे जो ऑब्जेक्टिव हमने अटेन करना था वो अटेन हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। एक और वर्ड है जिसको वील कम अक्रॉस मेनी अ टाइम्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? सही बात है, एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन का मतलब है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एज शी सेड कोऑर्डिनेशन मीन्स मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। अब जो मैनेजर होता है, मेन टास्क मैनेजर का क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। नाउ मैनेजर नीडेंट कोऑर्डिनेट ओनली इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट टीम्स, विद डिफरेंट इन डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क होते हैं उसके अंदर भी उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैनेजर जो है उसका काम होता है, इट इज हिज टास्क टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। हु डज द कोऑर्डिनेशन पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन? इट इज द मैनेजर हु कोऑर्डिनेट्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ही कोऑर्डिनेट्स अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टास्क अमंग डिफरेंट पीपल। इट इज द मैनेजर हु एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी, मैनेजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। एक अच्छा मैनेजर जो होता है ही हैज टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। व्हाई? लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर, हमने सबसे पहले कौन सी अप्रोच पढ़ी थी, एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं मैनेजर्स के, उनके पास उनसे सीख सकते हैं हम और आज की डेट में उनको अप्लाई कर सकते हैं। डज इट होल्ड ट्रू हियर? अगर वो बात सही है तो क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कोई जगह रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। दैट इज़ द रीज़न दैट अप्रोच एक्चुअली फेल्ड, ठीक है। आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव।
दे हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज. कोई भी टास्क को करने के लिए दे हैव टू कम अप विद सच आइडियाज जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम एफर्ट में प्रोड्यूस हो. ऑल राइट, ही हैज टू बी क्रिएटिव, ही हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, कौन अच्छा मैनेजर होगा जो सबसे अलग सोचेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वो कौन से हो गए, आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. ठीक है, ये दो आपके वो हो गए. ओके, नाउ एक मैनेजर के अंदर एक और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, द एबिलिटी टू टेक रिस्क. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सेड हाई रिस्क हाई रिटर्न. ठीक है, एक मैनेजर जो कि ज़्यादा रिस्क ले सकता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू टेक रिस्क, दैट मैन विल ग्रो, दैट मैनेजर विल ग्रो. Why? Because जो भी बंदा रिस्क ले सकता है, he will definitely be creative and innovative. ठीक है ना, he should be creative, innovative and risk taking. आज की डेट में managers के अंदर ये तीन characteristics होना बहुत ज़रूरी है. Coming back to coordination, जो आपका coordination है, it sounds a little similar to cooperation. Does it sound a little लाइक कोऑपरेशन? क्या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक ही चीज़ है? नो, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक चीज़ नहीं है. ऑल राइट, क्यों नहीं है एक चीज़? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन? आई वॉन्ट यू टू बी अ लिटल लाउड. ओके, कोऑर्डिनेशन के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि भैया अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना होता है मैनेजर को. कोऑपरेशन जो है, इट इज़ अ फीचर ऑफ अ टीम, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम. एक टीम के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, कोऑपरेशन डजंट मीन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, बट सिर्फ ये फैक्टर नहीं है जिससे कोऑर्डिनेशन होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग टीम्स के अंदर, वो टीम्स आपस में कोऑपरेट करती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएगा उनके बीच में. मान लीजिए दो टीम्स हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं, भिड़ती रहती हैं, तो क्या मैनेजर उन दो टीम्स को कोऑर्डिनेट कर पाएगा? नो. इफ द टीम्स विल कोऑपरेट, द मैनेजर विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट. ठीक है ना, बट कोऑपरेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, दैट इज सो ट्रू, बट कोऑर्डिनेशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर कोऑर्डिनेशन. राइट, कोऑपरेशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर कोऑर्डिनेशन. व्हाट डू आई मीन? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट टीम. ठीक है, क्रिकेट टीम है ये, और उसके जितने भी प्लेयर्स हैं सब आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं. ठीक है ना, ऑल ऑफ देम दे कोऑपरेट विद ईच अदर. एक प्लेयर से अगर कोई गलती हुई तो दे अंडरस्टैंड इट, दे कोऑपरेट विद हिम. ठीक है, हाउ एवर द टीम डजंट विन द मैच, इवन इफ द प्लेयर्स आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. व्हाई? बिकॉज देयर एफर्ट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. एक बॉल आ रही है, दोनों प्लेयर्स आ गए उसको कैच करने के चक्कर में, और दोनों में से किसी ने भी कैच नहीं करी. ऐसा होता है ना कितनी बारी कि दो प्लेयर्स आ गए कैच करने के लिए और दोनों आपस में टकरा गए, बॉल गिर गई. ऐसा होता है कई बारी. सो हेयर इट कम्स अबाउट, हेयर द कोऑर्डिनेशन कम्स इन टू प्ले, कि भैया अगर उनके एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड होंगे, कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन केस देयर एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड, ऑटोमेटिकली द ग्रुप गोल्स विल बी अचीव्ड. ठीक है, सो कोऑपरेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, बट सिर्फ कोऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन के लिए. उस कोऑर्डिनेशन के लिए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं. ऑल राइट, ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? ओके, नाउ हमने कुछ थ्योरीज अभी तक पढ़ी थी, कुछ अप्रोचेज अभी तक पढ़ी थी. नाउ लेट्स कम टू सम ट्रेडिशनल अप्रोचेस.
ट्रेडिशनल अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट. ऑलराइट, नाउ ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज थी मैनेजमेंट की, ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी मैनेजमेंट की, ये जो अप्रोचेस थी दे फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया था. दो थ्योरीज थे इसके अंदर जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले थे मिस्टर फ्रेडरिक टेलर एंड मिस्टर हेनरी फेव. यू हैव कम अक्रॉस हिम मेनी अ टाइम्स. लेट्स टेक वन बाय वन बोथ ऑफ देम. मिस्टर फ्रेडरिक टेलर जो थे, फ्रेडरिक टेलर ने, हाँ जी, यस, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी थी. डू वी नो व्हाट डिड ही से इन द थ्योरी? जो टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. यस यस राइट, इट इज द बेसिक ही टू फोकस ऑन द फोरमैनशिप. राइट, हाउएवर इन अगर बुक की टर्मिनोलॉजी में हम कहें या फिर हाउ विल इट अपियर इन द पेपर या इन अ सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, लेट्स से इन्होंने कहा था कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्लान एंड कंट्रोल. ठीक है ना, ही सजेस्टेड दैट इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल एंड फॉर्म रूल्स regulations and prescribe laws for the working of men and machines. All right, इन्होंने क्या कहा था टेलर ने? टेलर ने कहा था कि ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करे, ऑर्गेनाइजेशन को प्लान और कंट्रोल करे और ऐसे लॉज बनाए, ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से मशीन्स काम करेंगी. कौन ये चीज़ें डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ टेलर ने ये बात कही कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको, उनके पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस करेंगे या कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जो कि वो यूज करेंगे. द एम्प्लॉयज और द मैन शुडंट बी लेफ्ट अलोन टू मेक अ चॉइस of how to produce or what to produce and what methods to be used.
ऑल राइट. वंस अगेन मिस्टर टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने कहा था कि एम्प्लॉयज को नहीं, एम्प्लॉयज के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे और क्या टेक्नोलॉजी या क्या मेथड यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए. ऑल राइट. उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क बन सके एंड लॉज फॉर वर्क मेजरमेंट शुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड. वंस अगेन ये पॉइंट जो है टेलर ने कहा था कि मैनेजमेंट का काम है स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क डिसाइड करना कि क्या स्टैंडर्ड रखेंगे हम काम करने का, हर एम्प्लॉय को किस लेवल का काम करना है, किस स्टैंडर्ड का काम करना है. और उन्होंने ही ये कहा था कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि किसका काम किसने कितना अच्छा किया, कैसा किया. वर्क मेजरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क मेजरमेंट? टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्सन परफॉर्म्ड हिज जॉब, वेदर इट वॉज गुड वेदर इट वॉज बैड, उसने किस लेवल पे परफॉर्म किया, प्रोडक्शन अच्छी की बुरी की, ये सारे जो लॉज फॉर वर्क मेजरमेंट है या फिर जो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क हैं वो कौन डिसाइड करेगा? द मैनेजमेंट. राइट. चौथी बात इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने चौथी बात ये कही थी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्टैंडर्डाइज मेथड्स के थ्रू एक मैनेजमेंट जो है वो ट्रेन करेगा. ऑलराइट. इट इज़ द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट टू ट्रेन the employees with using standard methods. Is there any doubt till now? It's clear? Okay. कुछ बातें इन्होंने और कही थी. इन्होंने एक बात ये कही थी कि भैया जो भी काम अगर हमें करना है, वट एवर वर्क हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन माइन्यूट डिटेल. व्हाट डिड टेलर से? दैट द वर्क और द टास्क टू बी डन शुड बी प्लान्ड और डिस्कस्ड इन माइन्यूट डिटेल. इन माइन्यूट डिटेल का मतलब क्या है? छोटी से छोटी बात उस काम की, उस टास्क की हमको अंडर कंसिडरेशन करनी चाहिए. ठीक है. द वर्क और टास्क विच हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी प्लान्ड और डिस्कस्ड इन माइन्यूट डिटेल. और ये जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास एज इट इज़ जानी चाहिए. आखिर काम को क्यों ठीक तरीके से डिस्कस करना है, क्यों ठीक तरीके से प्लान करना है माइन्यूट डिटेल्स में? इसलिए प्लान करना ना ताकि एम्प्लॉयज को हम बता सके कि वो काम कैसे करना है उन्होंने. राइट. तो इसीलिए व्हाई दिस पॉइंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दिस पॉइंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर सो दैट दीज माइन्यूट डिटेल्स विच वर प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट दे कैन बी हैंडेड ओवर टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु विल परफॉर्म दोज टास्क. अंडरस्टूड? ओके. अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी. टेलर ने कहा था कि मैनेजमेंट का काम क्या है? टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज. ठीक है. मैनेजमेंट का काम है एम्प्लॉयज से काम करवाना, उनको मोटिवेट करना, अच्छी लीडरशिप ऑफर करना. ऑलराइट. ये सारी चीज़ें हमारे को टेलर ने बोली थी. बट इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, इट फेल्ड. ठीक है. उन हर चीज़ को क्रिटिसिज्म मिलता है, उसको भी कुछ क्रिटिसिज्म मिले थे. Why was it criticized? सबसे पहला, उन्होंने specialized labor के ऊपर बहुत focus किया था या specialized workers के ऊपर बहुत focus किया था. And it is very difficult to find out such expertise in people. So many experts जो कि हर चीज़ में माहिर हों, इस तरीके के लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. Every employee cannot be an expert. However, he can gain that expertise with practice and training. ठीक है. वो expertise उसके अंदर आ सकती है practice and training के बाद. लेकिन जो टेलर थे उन्होंने कहा था कि हर employee जो होना चाहिए वो expert होना ही चाहिए, specialist होना चाहिए अपने काम में, माहिर होना चाहिए अपने काम में. But it is not possible to have all your workers experts in their own field. ठीक है. ये पहला point था जिसके कारण उसको criticism मिला था.
दूसरा पॉइंट क्या था कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क रखे थे, जो एफिशिएंसी के जो स्टैंडर्ड्स रखे थे, या एफिशिएंसी या वर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क रखे थे, वो इतने हाई थे कि सारे जो एम्प्लॉयज थे उनको मीट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क या फिर एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स थे टू हाई थे, दे वर टू हाई, एंड टू मीट दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क द एम्प्लॉय हैज टू हैव एक्सट्रीमली हाई कैलिबर, जो कि हर एम्प्लॉय के अंदर नहीं होता. ठीक है, टू दो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क वर टू हाई टू मीट दीज स्टैंडर्ड्स द एम्प्लॉय हैज टू हैव एक्सट्रीम हाई कैलिबर स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, जो कि एम्प्लॉयज के अंदर नहीं होती थी. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि टेलर ने जो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क अपने थ्योरी में बताए थे वो इतने ज़्यादा हाई थे कि हर जो एम्प्लॉय था उसके पास उतना कैलिबर नहीं था कि वो उन स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क को मीट कर सके. व्हाट इज़ योर थर्ड पॉइंट जो कि क्रिटिसाइज करता है टेलर की मैनेजमेंट थ्योरी को? क्योंकि टेलर ने कहा था कि भाई सारे जने एक्सपर्ट होने चाहिए, सब जने स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क को फॉलो करें, उसको ओवरकम करें, तो जो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रही थी बिकॉज ऑफ स्टिकिंग टू दीज रूल्स. ठीक है, तो दिस थ्योरी एक्चुअली टर्न्ड द लाइफ्स ऑफ एम्प्लॉयज एक्सट्रीमली मोनोटोनस. क्योंकि अब किस तरह से मोनोटोनस हुई, उन्होंने कह दिया कि भैया एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क उन्होंने बहुत हाई रखे, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ जो थे ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा मशीनों के बीच में रहने लगे, और उसके कारण उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस और मैकेनिक लाइफ हो गई थी उनकी बहुत ज़्यादा. एंड समवेयर डाउन द लाइन इट वॉज रियलाइज्ड कि जो मैनेजमेंट थ्योरी हमें, साइंटिफिक थ्योरी जो मैनेजमेंट की टेलर ने दी है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को लीड कर रही है. क्यों? क्योंकि वर्कर्स को ही सारे स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं. ठीक है, वर्कर्स को ही सारे काम करने हैं, हाई कैलिबर भी वर्कर्स का होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क उनको मीट करना है, स्पेशलाइजेशन उनको अटेन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो रहा था. दीज आर द फोर फैक्टर्स व्हाई द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर फ्रेडरिक टेलर फेल्ड. These are the four factors why the theory of management given by Frederick Taylor failed, why it was criticized. Now, here we end the class for today. In the next class, we'll read more about Henry Fayol, जो उन्होंने Henry Fayol ने जो हमारी theory दी थी about the same management, वो हम पढ़ेंगे. Plus, कुछ approaches जो है management की, we'll also read those theories of those approaches and those theories of management, जैसे कि systems theory हो गई आपकी, और बाकी human behavior theory हो गई, human resources theory हो गई, हम उन theories के बारे में पढ़ेंगे. plus we'll start taking each function of management in detail, जो planning का function है हम वो अगली class में detail में लेंगे. that is all for today, thank you.